क्या ही बोलें, मतलब मम्मी पापा को मेरे बर्थडे वाले दिन ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, और क्यों महक ने उनको शामिल नहीं करा और महक ने मम्मी पापा से। गाइस वेलकम बैक टू चैनल, आप सभी का स्वागत है महक के ब्लॉग्स में। तो गाइस सबसे पहले हमारी ओर से हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी धनतेरस और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अच्छी तरीके से आप लोग अपना धनतेरस सेलिब्रेट करें और अच्छी अच्छी चीज़ें नई नई चीज़ें आपके घर के अंदर आए, और लक्ष्मी जी का हमेशा सदैव आशीर्वाद हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली के ऊपर बना रहे। तो यही हमारी ओर से सभी को विशेष है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि मेरे बर्थडे पर जिन लोगों ने भी अच्छी अच्छी विशेष दी उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया, और बहुत सारे हेटर्स भी है तो उन लोगों को भी तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपके हेट करने की वजह से शायद हम लोगों को इतना लोग प्यार करते हैं और इतने लोग आशीर्वाद देते हैं। तो थैंक यू सो मच अगेन। तो जैसे कि गाइस आप लोगों ने देखा कि महक ने मेरे लिए कितना अच्छा सरप्राइज़ तैयार करा था, और बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। और सच बताऊँ ना तो मुझे शक तो हो गया था इनके ऊपर, क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि सुबह ने एकदम बाइक लेके चला गया था मेरी, और फिर ये नाइट में 12 बजे तक वहाँ पे रूम पे, क्योंकि नॉर्मली तो ये यहाँ पे घर पे रहते ही है, लेकिन मुझे शक हो गया था कि यार ये कहीं ना कहीं कुछ तो चल रहा है इनके मन में प्लान, ठीक है। तो मुझे शक हो गया था ना, हम इनको यहाँ पर छोड़कर हम लोग वहाँ चले गए थे, और सोहन भैया में घर पे सिर्फ अकेले थे, उनको लगेगा ना कि ये दुबई कहाँ गए। हाँ मुझे शक हो गया था। तो फिर इन्होंने जब मुझे फोन करके बुलाया ना, तो तब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि यार सच में कुछ ना कुछ प्लान होगा शायद, तो फिर इसीलिए मैं गया। तो बाकी में सच में मुझे ये सरप्राइज देख के बहुत अच्छा लगा, और मतलब जो सजावट इन्होंने करी थी ना सबने मिलके, और इनकी मतलब मेहनत को अप्रिशिएट है मेरी तरफ से, और थैंक यू सो मच ऐसे सरप्राइज देने के लिए। मतलब मुझे तो लाइफ में फर्स्ट टाइम ये सब चीज़ें देखता हूँ ना गाइस, तो बहुत अच्छा लगता है देख के कि यार देखो अपने लिए कोई इतना सब कुछ करता है। तो थैंक यू सो मच महक मेरी तरफ से तुमको, और छोटा था आपके लिए तो छोटा, देखो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता भाई, मतलब मेरे हिसाब से तो जितना अगर तहे दिल से कुछ भी करो ना, अगर तुम मेरे लिए एक छोटा सा केक भी लेके आती ना दिल से, ठीक है, केक या पेस्ट्री भी लेके आती ना, तो मेरे लिए वो सच में स्पेशल होता, क्योंकि कम से कम मेरे लिए तुम इतना सोचते रहे, ठीक है। अच्छा। जो सोचता है ना तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि यार अपने लिए कुछ सोच रहा है, ठीक है। तो फिर नाइट में पापा भी पेस्ट्री लेके आए थे मेरे लिए। तो चलो गाइस एनीवेज ये सब चीज़ें तो चलती रहेगी, और बहुत अच्छा लगा, सब कुछ ठीक था, ठीक है। बर्थडे सेलिब्रेशन में बहुत मज़ा आया, और भी चीज़ें थी लेकिन घर के काम की वजह से वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर अच्छी तरीके से वो चीज़ें होंगी। दिवाली के टाइम आता है, तो दिवाली के टाइम में घर के कामों से इतनी फुर्सत नहीं मिल पाती है कि हम लोग कुछ अच्छा बड़ा प्लान करें, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है। तो गाइस अब थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं कि कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि आपके मम्मी पापा को आप लोग क्यों नहीं लेके गए सेलिब्रेशन के अंदर, और मम्मी पापा को क्यों नहीं दिखाया आप लोगों ने, तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात बोलना चाहूंगा यहाँ पे सभी को। तो यहाँ पर है ना, आप सभी लोग कमेंट कर रहे थे कि आपने वहाँ पर क्यों सेलिब्रेशन करा, घर पे कर लेना था। तो यहाँ पर एक रीजन था, जो कि वो रीजन यही था कि साफ सफाई की वजह से, मतलब बिल्कुल भी घर में जगह नहीं थी, जो सामान इस कमरे का जो सामान है ना वो उधर था, उधर का इधर था, और रात की मतलब 12 बजे कैसे क्या हम करते, क्योंकि घर थोड़ा सा स्पेस कम है, और सामान हमारे सफाई की वजह से सारा जो ऊपर जो स्टोरेज का सामान था ना वो सारा नीचे आ गया था सफाई की वजह से, बिल्कुल भी घर में जगह नहीं थी। तो इसलिए सेलिब्रेशन करने मुझे ना वहाँ पर जाना पड़ा। तो सेलिब्रेशन करने मैं वहाँ पर गई, और मैंने सोचा भी सही, और मम्मी से फिर मैंने पूछा तो मम्मी से कि मम्मी आप भी चलो वहाँ पर, अपन सब अच्छे से सेलिब्रेशन करेंगे, डेकोरेशन करेंगे मिलकर। तो फिर मम्मी से मैंने पूछा था, मम्मी पापा से दोनों से बोला था, तो फिर मम्मी ने ऐसा बोला कि मैं वहाँ पर जाऊँगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा उधर की साइड, तुम ही चले जाओ, और ऐसी कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊँगी तो मैं कर दूँगी बाद में विश, तू तो चले जा बेटा और अच्छे से सेलिब्रेशन कर लेना वहाँ पर, यहाँ पर जैसे जगह ही नहीं है। और मुझे आइडिया वैसे मम्मी ने ही दिया था कि तो सेलिब्रेशन करना तो तुझे वहीं जाना पड़ेगा, घर में बिल्कुल भी जगह नहीं, स्पेस नहीं, कहाँ पर बिठाएगी और कहाँ पर, क्योंकि अभी पेंट का काम चल रहा है ना गाइस, तो पेंट के काम की वजह से बिल्कुल भी स्पेस तो बिल्कुल भूल ही जाओ यहाँ पे, क्योंकि आगे अगर पेंट होता है तो आगे से सामान यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा हम लोगों को, और फिर यहाँ से शिफ्ट करके आगे ले जाके जाना पड़ा, एक बार ऐसे चल रहा था भाई ना। और सबसे अच्छी बात ये हुई ना, यहाँ पर अगर मैं करती सेलिब्रेशन की तैयारी तो इनको शक हो जाता, ये तो घर पे ही रहते ना, और वहाँ पर ये चीज अच्छी हुई ना कि इनको सरप्राइज मिल गया। और फिर मम्मी पापा वहाँ पर नहीं गए, फिर हमने केक वेक कटिंग कर लिया था, वहाँ पर सब कुछ हो गया था, उसके बाद हम घर पर आए थे। घर पर आने के बाद मम्मी सोई नहीं थे, हम तो आधे घंटे में आ गए थे ना अपन, हाँ हम आधे घंटे में आ गए थे, और आधे घंटे में सेलिब्रेशन होने के बाद फिर घर पर आए, फिर मम्मी सोए भी नहीं। तो फिर मम्मी ने इनको केक खिलाया, क्योंकि वहाँ पर केक किसी ने खाया ही नहीं, फिर मम्मी ने इनको केक खिलाया, पापा तो सो गए थे देखो, लेट हो गया था थोड़ा सा, तो फिर केक खिलाया इनको, उसके बाद फिर अच्छे से मम्मी ने विश करा और सब अच्छा सा हुआ। उसके बाद है ना, फिर सुबह मॉर्निंग में पापा ना पेस्ट्री लेकर आए, पापा ने बोले विश नहीं करा कर, बाहर मार्केट में गए
उसके बाद वो लेट आते हैं मार्केट से, मतलब 12-1 बजे तक आते हैं, सुबह चले जाते हैं जल्दी 8 बजे, तो 12-1 बजे तक आते हैं। फिर वो आए, उसके बाद उन्होंने वो फिर पेस्ट्री लेकर आए साथ में, सभी के लिए लाए पेस्ट्री, क्योंकि उनको पता था कि केक तो ये ले आए हैं नाइट में, तो केक इतना सारा वो कोई खाएगा है नहीं। उसके बाद वो पेस्ट्री लेकर आए, उसके बाद सबने फिर पेस्ट्री कट करी साथ में, तो सेलिब्रेशन हमारा घर पर अच्छे से हो गया। और हम अच्छे से करते, धूम मचाते फैमिली के साथ भी, लेकिन वो दिवाली के टाइम पे मेरा बर्थडे हमेशा दिवाली पर था, कभी धनतेरस पे आ जाता है तो कभी दिवाली के दिन ही बर्थडे आता, तो ऐसे ही हमेशा मेरा बर्थडे इसी टाइम पे आया। 28 अक्टूबर को मेरा बर्थडे हमेशा मैंने देखा है, नोटिस करा, जैसे कि धनतेरस पे आ जाता है तो कभी भाई दूज पे या तो फिर कभी दिवाली पे, तो कुछ ना कुछ ऐसे फेस्टिवल फंस जाते हैं, तो वो बर्थडे इतना अच्छी तरीके से सेलिब्रेशन नहीं हो पाता। लेकिन हाँ ये है कि मैं देखता हूँ ना कि मेरे बर्थडे पे यार देखो हर तरफ से डेकोरेशन हो रहा है। चलो अपने घर में तो बर्थडे पे तो डेकोरेशन हर फैमिली के घर में हो ही जाता है, लेकिन घर के अंदर तो छोड़ो बाहर भी होता है, और उसके बाद में फिर सभी अपने अपने घर पे लाइटें लगाते हैं, दिए जलाते हैं, तो वो देख के मुझे बहुत खुशी होती है हमेशा से कि यार देखो रंगोलियां बन रही है, और एक फेस्टिवल वाला माहौल होता है ना अपने बर्थडे पे, तो उससे खुशी की बात क्या ही होगी मेरे लिए। तो बहुत अच्छा लगा। कल भी हम लोग मार्केट गए थे, मैं महक गए थे, और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने करी दोनों ने, मतलब क्योंकि शूट इसलिए नहीं कर पाते गाइस देखो, क्योंकि हर छोटी से छोटी चीज़ें हम लोग अगर शूट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है मार्केट के अंदर स्पेशली, क्योंकि मार्केट के अंदर भीड़ इतनी होती है, और भीड़ के अंदर सब कुछ चीज़ें संभालना और फिर सब कुछ करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि अगर हम लोग शॉपिंग करने के लिए निकले हैं तो भी शूट बहुत मुश्किल से हो पाता है। क्यों? क्योंकि किसी की परमिशन होती है, किसी की परमिशन नहीं होती है, तो वहाँ भी चीज़ें हम लोगों को देखना पड़ता है। ठीक है, वैसे मोस्टली लोग तो मतलब 99% तो हाँ ही कर देते हैं, लेकिन 1-2% जैसे किसी शॉप पे ऐसे होता ना कि यार वो उनको थोड़ा सा ये चीज़ें शक होता है कि यार क्या पता हम लोगों की वीडियोज़ बना के कुछ मिस यूज़ हो जाए, तो इसलिए कुछ किसी को डर भी होता है, तो वो चीज़ें भी हम लोगों को थोड़ा सा सेफली देखना पड़ती है। तो और ऐसा भी होता है ना कि आप शुरू से मतलब प्लानिंग कर लेते हो, सोच लेते हो कि ऐसा करना मुझे, वैसा करना, ऐसा सेलिब्रेशन करना, मैंने ये सब कुछ सोच लिया था और ये मतलब तैयारी थी, लेकिन वो कहते हैं ना जो सोचते हैं वो होता है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर अच्छे से प्लान करेंगे, और जो लोग कमेंट कर रहे होंगे आई होप उनका आंसर मिल गया होगा कि यार देखो हमारी फैमिली ऐसी है कि मम्मी कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि यार महक सेलिब्रेशन कर रही है, मुझे नहीं बुलाया पर्सनली तो मुझे बुरा लगेगा, ठीक है पापा को नहीं बोला तो पापा को बुरा लगेगा, नहीं ऐसा कभी नहीं सोचते हैं। ठीक है, सेलिब्रेशन अपनी जगह है और फैमिली फैमिली की जगह, ठीक है सेलिब्रेशन तो हर टाइम होते रहेंगे, अभी दिवाली आएगी तो दिवाली पे सेलिब्रेशन होगा, धनतेरस है धनतेरस पे सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेशन का टाइम हमें हमेशा कभी, मैंने एक चीज़ तो नोटिस करी हिंदू त्यौहारों में कभी थमता ही नहीं है भाई, ठीक है सेलिब्रेशन हर पल में हर छोटे छोटे मोमेंट्स में होता ही रहता है, लेकिन बात है बर्थडे सेलिब्रेशन की तो मम्मी ने कभी ऐसा नहीं बोला ना पापा ने बोला कि महक को आगे लेके, ठीक है कि यार हमको नहीं लेके गए, या मम्मी कभी बुरा मान रहे हैं कि यार ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है वो तो खुश थे बहुत ज्यादा कि क्या कितना अच्छा डेकोरेशन करा, डेकोरेशन करा, और बाद में मतलब पता मम्मी को भी नहीं पता था, लेकिन मम्मी ने जब वीडियोस में देखा ना तो वीडियो के थ्रू पता चला गया कि किस तरह से महक ने डेकोरेशन करा था, और जे हमारा जे बहुत ज्यादा क्रिएटिव है गाइस, जे ने और सोहन ने महक ने तीनों ने मिलकर बहुत अच्छी तरीके से सजाया, ठीक है और जे ऐसा है कि मतलब क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है गाइस उसके अंदर, मतलब हर चीज़ को मतलब बारीक से बारीक चीज़ों को इतना स्पेशली डिजाइन करता है ना, वो बहुत अच्छी तरीके उनको से। मैंने लेट बुलाया और जे तो। जिन लोगों को पता नहीं है कि जे कौन है, तो जे हमारे काका का लड़का है, सब मतलब हमारे दो काका है जिसमें से बंटी काका को तो आप लोगों ने देखा, एक और काका है जो बीच वाले काका है संतोष काका जिनका नाम है, उनका लड़का है हमारा जे, तो भी हमारा भाई है, ठीक है तो वो उसने और इन्होंने सबने मिलकर सेलिब्रेशन करा था और मुझे सरप्राइज देने की कोशिश करी थी, तो थैंक यू सो मच अगेन महक, और बहुत अच्छा लगा था मुझे ये सरप्राइज। और जिन लोगों को डाउट है तो चलो अभी मम्मी के पास भी चलते हैं और आप लोगों को पूछाते हैं कि मम्मी क्या कर रहे हैं, ठीक है मैं कैमरा ऑफ नहीं करूँगा, आप लोग को ऐसे पीस दिखाऊंगा, ठीक है चलो मम्मी क्या कर रहे हो, देखो भाई 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 मम्मी यहाँ पे केक ही खा रहे हैं, इधर आओ मम्मी ये देखो देखो क्या चल रही है, ये देखो मेरा बर्थडे का केक ही चल रहा है क्या, क्यों और क्या बर्थडे का केक ही खा रहे मम्मी। एक बात बताओ आपको क्या बुरा लगा क्या महक आपको नहीं लेके गई, मैं तो कुछ नहीं मना करा था, क्या क्या मना करेंगे, देख लो भाई ऐसे टीज मैंने कैमरा भी ऑफ नहीं करा है और यहाँ तो सिर्फ सीधा चल रहा है, क्या चल रहा है केक, ओहो चलो ये अच्छा है, चलो अच्छा है मम्मी नाराज तो नहीं हो, नहीं हूँ मैं तो, हाँ ये छोटी छोटी चीजों को गाइस हम लोग कभी माइंड नहीं करते हैं, ठीक है तो बहुत सारा काम था गाइस, तो थोड़ा सा हम लोगों को भी ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीजों का, ठीक है
तो यही सब चीजें थी, और आई होप आप लोगों को आज का आंसर मिल गया होगा। जो लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि यार भैया मम्मी पापा को बुरा लग गया होगा, आपको उनको सेलिब्रेशन में लेके जाना चाहिए था, तो ठीक है उन लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, और चैनल पर जो विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और